Okay, so now let's start this. So Bhaskar, you, am I audible to you? Yes sir, yes sir. Okay. Okay, so first question was related to phreatic eruption. Okay. So phreatic eruption में क्या basic difference क्या होता है? What is the basic difference in phreatic eruption? As compared to any other type of eruption. Yes. Only Bhaskar needs to, you know, reply. या जिसको पता है phreatic eruption के बारे में वो reply कर सकते हैं. Sir, इसमें क्या है ना? ठीक है. सो मतलब एक मैकेनिज्म तो होगा ना, एक बेसिक मैकेनिज्म कैसे होगा? क्योंकि अगर आप इसको कहीं पे भी पढ़ोगे, ठीक है, कहीं पे भी आप पढ़ोगे इस चीज को, तो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन वाइज देखेंगे तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी देखने में. मैं इसका व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ आपसे. एक मिनट बस. आपने एक नेम सुना होगा, क्रेटर लेक. ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट क्रेटर लेक. ओके, क्रेटर लेक नाम सुना है आपने? यस सर. हाँ, तो क्रेटर लेक, ये बेसिकली इट इज क्वाइट क्लोज टू क्रेटर लेक. मतलब क्रेटर लेक से काफी ज्यादा रिलेट कर सकते हो आप इसको. होता क्या, क्रेटर लेक होती क्या है? यस, सो दोज हु हैव जॉइंड जस्ट नाउ, उनको मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या टॉपिक है, क्वेश्चन कौन सा है, कि डिस्क्राइब फ्रियाटिक इरप्शन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज. सो दिस वॉज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2019 एंड दिस वॉज कैरिंग 5 मार्क्स एंड यू हैव टू राइट दिस आंसर इन 150 वर्ड्स. सो एक सिंपल सा मैकेनिज्म है ये. व्हाट हैपेंस कि लाइक देयर इज अ वोल्केनिक कोन. ये कोई वॉल्केनिक कोन है, ओके, दिस इज अ वॉल्केनिक कोन एंड इट इज फिल्ड विद वाटर. स्लाइड इज नॉट शोइंग. अच्छा, तो स्लाइड नहीं दिख रहा है सर, और खाली सब ग्रुप वाले दिख रहे हैं. ओके ओके, जस्ट होल्ड. Now is it visible? Yes sir. ये white board दिख रहा है आपको सबको? Yes sir. Okay. So guys, this is a volcanic cone. This is a volcanic cone. And ये volcanic cone काफी time से यहाँ पे बारिश नहीं. Maybe it can be a dormant volcano. Okay. और यहाँ पे water fill हो गया, rain water fill हो गया इसमें. Right? अब क्या होगा, जब भी इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी दोबारा से एक्टिवेट होगी, यहाँ पर जब भी वॉल्केनिक एक्टिविटी दोबारा से एक्टिव होगी इसमें, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बहुत सारी हीट जो है कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू इस वाटर बॉडी में ट्रांसफर होगी. ओके, बहुत सारी जो हीट है वो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू बेसिकली इसमें ट्रांसफर होगी. एंड जब कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है, सो सडनली क्या होगा, देयर विल बी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स. बहुत बड़ी क्वांटिटी में वाटर वेपर्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, और ये बहुत मतलब हाईली हीटेड जो है बेसिकली क्या होगी, स्टीम होगी. ओके, ये हाई हीट की स्टीम होगी जो आसपास के एरिया को जो है कवर करेगी. सो गाइस, होता क्या है कि जब मान लीजिए कोई टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पे इसी तरीके का कोई वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, जहाँ पर अचानक से बहुत सारी स्टीम निकल के आ रही है बहुत हाई स्पीड, तो स्टीम अगर बहुत गर्म स्टीम होती है तो बेसिकली ये भी बहुत कैटास्ट्रॉफिक होती है. बात समझ आ रही है, बेसिक मैकेनिज्म क्या है इसमें, कि लावा के इरप्शन से पहले, मैग्मा के इरप्शन से पहले स्टीम बहुत जबरदस्त क्वांटिटी में निकल रही है.
ओके मैं आपको एक इस चीज को एक बार शो करता हूँ एक एक वीडियो से. ओके मैं एक वीडियो से आपको इसको शो करने की कोशिश करता हूँ, आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इसकी. Just hold on guys, I would let me show you a particular video related to phreatic eruption. This will make you things more clear. Okay. स्क्रीन सबको दिख रही है? इज स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर. यस नाउ आई थिंक इट शुड बी विजिबल टू एवरीवन. ठीक है? यस सर, यस सर, नाउ विजिबल. हाँ, नाउ जस्ट वॉच दिस वीडियो, दिस विल मेक थिंग्स वेरी क्लियर टू यू. So basically you will see here कि previously there is a water body, कुछ accumulated water होगा यहाँ पर, and suddenly you will see कि किस तरीके से basically एकदम अचानक से steam, बहुत huge quantity में steam आसपास के पूरे region को accumulate कर लेती है. Okay, तो ये बहुत hot gases होती हैं basically जो पूरे area को cover कर लेती हैं आसपास के region को, and obviously आसपास अगर human settlements होंगे तो उनको भी ये बहुत ज़्यादा जो है harm करेंगी. ये वीडियो विजिबल है सबको? यस गाइस, वीडियो विजिबल है सबको? यस, वीडियो विजिबल है ना गाइस सबको? यस सर, ऑल क्लियर. ऑल क्लियर, फाइन. सो दिस इज हाउ, ये एक फ्रियाटिक इरप्शन होता है ये, राइट? सो पहली चीज क्या होती है कि इफ यू हैव टू डिफाइन दिस, इफ यू हैव टू डिफाइन दिस, हाउ यू डिफाइन, तो मैं पहले जो आंसर कॉपीज आए हैं मैं डायरेक्टली उन पर चलता हूँ. ओके, जो आंसर कॉपीज आए हैं डायरेक्टली उन पर चलते हैं. तो फर्स्ट आंसर कॉपी इज ऑफ मिस्टर भास्कर कुमार, एंड ही हैज रिटन दिस आंसर. सो लेट्स इवेल्युएट दिस. द फ्रियाटिक इरप्शन इज टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन where accumulated magma heats up groundwater, surface water or both, and vapor is what is this? Released. Yes, vapor is released with very intense pressure along with ash and rocks. Yes, very good. So काफी suitable diagram, मतलब काफी suitable definition है.
ओके, काफी सूटेबल डेफिनेशन है कि यहाँ पे यू हैव इंक्लूडेड वाटर वेपर साथ के साथ उसमें ऐश रॉक्स. तो बेसिकली क्या होता है कि जब गैसेस इस वाटर में एक्यूमुलेट होती हैं, ओके, अब मान लो सल्फर है, और सल्फर जब स्टीम के साथ निकल के जाएगा तो ये आसपास के एरिया में और ज़्यादा जो है लोगों को प्रॉब्लम करेगा. ओके, यहाँ के इवन यहाँ का जो वेदर है उसको भी अफेक्ट कर सकता है. इट कैन अफेक्ट इवन अफेक्ट द वेदर ऑफ द एडजॉइनिंग एरियाज. तो द फ्रियाटिक इरप्शन इज टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन वेयर accumulated magma heats up groundwater, surface water or both and vapor is released with very intense pressure along with ash and rocks. Okay, तो एक चीज यहाँ पे और कर सकते हो भास्कर आप कि ग्राउंड वाटर की जगह ना आप aquifers यूज कर लो. ओके, मतलब हमें क्या होता है ऑप्शनल में जब हम लोग आंसर लिखते हैं ना तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए ऑप्शनल में कि हम बेसिकली ये शो कर पाए कि yes, वी नो सर्टेन थिंग्स, सर्टेन टेक्निकल थिंग्स. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफिकल वर्ड्स को यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफिकल वर्ड्स यहाँ पे. यस, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, एक्यूफर्स. मैं लिख दूँ यहाँ पर? आई होप सबको पता होगा एक्यूफर्स. ठीक है, बात मतलब सेम चीज है. पहले जिससे फायदा ये हुआ कि दो वर्ड की जगह आपने एक वर्ड यूज कर लिया. दूसरी चीज क्या हुई कि थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हो गया, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा. इट मे रीच अप टू द हाइट ऑफ 6 to 9 किलोमीटर. गुड, तो माउंट मेरापी का ही मैंने अभी आपको वीडियो शो करा था. ये एग्जाम्पल माउंट मेरापी 5.5 किलोमीटर, व्हाइट आइलैंड न्यूजीलैंड एंड द फ्रियाटिक इरप्शन. देयर इज नो न्यू लावा इरप्शन एज शोन इन डायग्राम. ये लिखा हुआ है यहाँ पर. ये अब डायग्राम की जब बात आती है गाइस, तो डायग्राम में अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है थोड़ी. कोशिश अच्छी करी आपने, लेकिन थोड़ा सा ना डायग्राम के लिए स्पेस दो आप. ओके, डायग्राम को थोड़ा सा स्पेस दो और थोड़ी सी और क्लैरिटी लाने की कोशिश करो डायग्राम में. खास तौर पर क्या होता है कि वेन यू आर यू नो लेबलिंग दिस डायग्राम, तो काफी ज्यादा कम्बर्सम हो जाता है, काफी ज्यादा ये जो है कंजेस्टेड टाइप का हो जाता है. तो डायग्राम का पर्पस हमारा क्या है कि एक पर्टिकुलर डायग्राम से एकदम क्लैरिटी के साथ हमें चीजें दिखाई दे. ओके, कि डायग्राम देखते ही एग्जामिनर समझ जाए कि यस, इस बंदे को पता है चीजें. ये बातें बाकी लोगों को सबको समझ में आ रही है ना? यस राहुल, प्रियंका, अभिषेक, सबको क्लियर है ये? ओके, so consequences of phreatic eruption. Now what are the consequences of phreatic eruption? Let us see this. This is very important. Okay, this is very important. क्योंकि describe के लिए बोला गया है. ठीक है, 5 marks का question है, 150 words में लिखना था. Describe आपने अच्छे से कर दिया, balance way में किया है, लेकिन major body इस question की है, consequences क्या क्या होते हैं. So it creates extensive landform called mars and when water accumulates accumulated in its becomes crater lake. Modification of landform. अब देखो ये जो चीज है कि crater lake इसकी वजह से form हो रही है, तो ये थोड़ा सा मतलब vice versa type की चीज भी हो सकती है. ठीक है भास्कर, ये चीजें थोड़ी सी vice versa type की भी हो सकती है कि कोई crater lake पहले से ही present है और उसमें volcanic activity activate हो गई. okay, तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिएगा इस सेंटेंस को, अदरवाइज इट इज ओके. देन इट जनरेट्स सुनामी वेव्स इन कोस्टल एरियाज. सिर्फ कोस्टल एरियाज में करेगा ये सुनामी वेव्स. सुनामी वेव्स इन कोस्टल एरियाज, आप किसी हिली एरिया में. ओके, देखो वॉल्केनोज जो है जनरली वो कन्वर्जेंट प्लेट की बाउंड्रीज पे मिलते हैं, पहली चीज. दूसरा क्या होता है, दे आर नियर बाय टू द ओशियनिक प्लेट. जैसा आप देखेंगे माउंटेन रेंजेस लाइक एंडीज रेंजेस, रॉकीज रेंजेस, दे आर फोल्डेड माउंटेन रेंज बट दे आर लोकेटेड एट द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री ऑफ ओशियनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट. इसी वजह से वॉल्केनो बनेगा. ओके, तो कोस्टल एरियाज की जगह आप एक जनरलाइज टर्म यूज करके देखो कि भाई ठीक है कि इट जनरेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वेव्स इन द एडजॉइनिंग एरियाज.
सुनामी वेव्स को आप मतलब थोड़ा सा आपको मतलब इस पर और ज्यादा क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि सुनामी वेव्स की हम लोग बात करते हैं तो एक तो 30 मीटर से अबव और उतनी डिजास्ट्रस ये है कि नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्टीम की क्वांटिटी बहुत ह्यूज अमाउंट में एकदम निकल के आती है, अचानक से आसपास के रीजन में बहुत ह्यूज अटैक हाई हॉट स्टीम का होता है। साथ के साथ फिर क्या होता है कि साथ में बहुत सारी गैसेस भी थी जो वाटर वेपर के साथ ऊपर जाती हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े स्मॉग जैसे क्लाउड्स बना लेती हैं, तो बाद में टेम्परेचर ड्रिप होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। तो थर्ड पॉइंट शायद आपने लिखा भी है ये कि ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिलीज इन एटमोसफियर विच इज एडवर्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एड टू ग्लोबल वार्मिंग। यस ये ठीक है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लेना। The huge amount of hydrocarbon is released in atmosphere which causes adverse effect on human health and they contribute to global warming. थोड़ा सा इस तरीके से इसको लिख लेना, otherwise it is okay. Then air transport may also hamper. Air transport भी hamper होगा, obviously सीधी सी बात है, इस रीजन में कोई भी एयरपोर्ट होगा या कुछ भी ऐसी चीजें तो उनके ट्रांसपोर्ट पूरे के पूरे जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। और क्या पॉइंट ऐड हो सकता था यहाँ पर, और क्या पॉइंट ऐड हो सकता था? देखो एक पॉइंट ये ऐड हो सकता है कि जब गैसेस यहां से निकल रही हैं, व्हेन गैसेस आर रिलीजिंग फ्रॉम हियर, ये गैसेस जो होती है बेसिकली काफी बड़े बड़े क्लाउड कवर कर लेती है, ठीक है, ये काफी बड़े रीजन को कवर कर लेती है, और ऐसी कंडीशन एसिड रेन भी होगा सर, क्या एसिड रेन भी हो सकता है? हाँ वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये क्या है, इसने पूरे के पूरे रीजन को कवर कर लिया है, और सल्फर की क्वांटिटी भी एटमॉस्फेयर में पहुंच गई है, सब चीज है। तो इनिशियली पहले क्या होगा, ये जो है बेसिकली सनरेज को ब्लॉक कर देगा, सनरेज नीचे आना बंद हो जाएंगी, तो क्या होगा टेम्परेचर ड्रिप होना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर ड्रिप होगा तो क्या होगा, बेसिकली एयर लॉक जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, जैसे हमारे यहाँ पर कंडीशन होती है विंटर्स के टाइम पे दिल्ली एनसीआर में, कि एयर का मूवमेंट ही ब्लॉक हो गया है, देखा ना आपने स्मॉग वाली कंडीशन, तो ये भी बिल्कुल लगभग वैसे ही कंडीशन क्रिएट कर देगा। तो टेम्परेचर भी ट्रिप होगा और बाद में फिर क्या होगा, बारिश होगी, लेकिन बारिश कैसी होगी, एसिड रेन वाली बारिश होगी यहाँ पर, ओके, यानी ये जो मैटर था ये मॉइस्चर के साथ साथ नीचे आना स्टार्ट करेगा, तो अगेन इट विल डैमेज मे बी द आउटर बॉडी ऑफ द कार, मे बी व्हीकल्स, मे बी इक्विपमेंट, बहुत सारी चीजों को ये डैमेज कर सकता है यहाँ पर। इसका कोई दूसरा पेज भी है क्या इस क्वेश्चन का, यहीं तक है ये 150 वर्ड्स में मुझे लगता है अभी स्कोप था वर्ड्स लिखने का और, ठीक है 150 वर्ड्स तो पूरे नहीं हुए हैं, तो ठीक है चार पॉइंट की जगह ना हमेशा कोशिश करा करो कि पांच पॉइंट हो या 8-10 पॉइंट्स हो इस तरीके से, ओके। तो 5/5 पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हो कि यहाँ के क्लाइमेट को ये बेसिकली डिस्टर्ब कर देता है, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द लोकल क्लाइमेट, और उसके बाद कंक्लूजन में आप लिखेंगे तो कुछ एग्जांपल्स आपने जैसे जो ऊपर लिखे थे तो कुछ इस तरह के एग्जांपल्स यहाँ पे देखा, आप इसको खत्म कर सकते हो, बाइंड अप कर सकते हो, बाकी कंक्लूजन की जो नहीं भी पड़ेगी क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आपको भास्कर कुछ पूछना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? इसमें कुछ और चीजें ऐड कर देना कि भाई अब सीधी सी बात है किसी एरिया में ऐसा इरप्शन हुआ है तो वहां के लोगों का वर्क पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो यू कैन राइट कि दीस टाइप ऑफ इरप्शंस नेगेटिवली इंपैक्ट सोशल इकोनॉमिक लाइफ एंड एनवायरनमेंट सराउंडिंग द रीजन, ओके, और फिर कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, सल्फर का कॉन्सेंट्रेशन एटमोसफेयर बढ़ जाएगा, तो लोगों के लिए हेल्थ हजार्ड वाली चीजें हो जाएंगी, ओके क्लियर है यहाँ पे। Let us move to the next question now. अच्छा है, question अच्छा लिखा है, मतलब answer अच्छा लिखा है, काफी close है, काफी मतलब we can say कि around 90% तक जो है it is satisfying the required content. Good. Next question पे आ रहे हैं, compare and contrast different types of plate boundaries. So plate boundaries की बात कर रहे हैं तो हम किस theory की बात करेंगे यहाँ पे, कौन सी theory है ये? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ओके, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लेट्स आर देयर, कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। द प्लेट बाउंड्रीज वर एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ अर्थक्वेक मैप विच इटसेल्फ बेस्ड ऑन वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड सेस्मोग्राफिक नेटवर्क, अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर 7 मेजर प्लेट्स।
There are seven major plates, oceanic and continental and many minor plates. तो आप इसको लिख सकते हैं 20 plus minor plates. अब मैंने आपको रीजन बताया था पहले भी किसी दूसरी क्लास में शायद बताया होगा कि माइनर प्लेट्स जो होते हैं बेसिकली ये ज्योग्राफर्स अलग अलग अपने क्लेम करते हैं. कोई ज्योग्राफर कहेगा कि देयर आर 27 माइनर प्लेट्स, कोई कहेगा 35 माइनर प्लेट्स है. ओके, सो सबसे सेफर साइड रहने के लिए लिखो देयर आर 20 प्लस माइनर प्लेट्स. इससे तो ज्यादा ही है, इससे कम नहीं है. यहाँ तक क्लियर है सबको? देन यू हैव शोन प्लेट मूवमेंट्स. We have shown this transverse plate movement, divergent plate movement and convergent plate movement. Good. Then, convergent plate boundaries. So under this two plate move to towards each other and led to destruction of heavier plate. ठीक है. दो convergent plate boundaries दोनों एक तरफ आ रही हैं and under this two plates move towards each other. And lead to destruction of heavier plate. अब क्या destruction heavier plate का ही होगा? Yes. अगर हम convergent plates की बात कर रहे हैं, so क्या destruction सिर्फ heavier plate का ही होगा? Destruction of heavier plate लिखा है यहाँ पे. Suppressed होगा. क्या चीज? Suppressed होगा पूरा. Yes. अब जैसे मान लो Indian plate और Eurasian plate दोनों collide हो रही हैं. तो यहाँ पे क्या यूरेशियन प्लेट का ज्यादा लॉस हो रहा है या इंडियन प्लेट का ज्यादा लॉस हो रहा है? ओके, सो इस चीज को यहाँ से हटा के थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हो कि अंडर दिस टू प्लेट मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर एंड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आउटर क्रस्ट. ठीक है, या सिंपल क्रस्ट आप लिख सकते हो. यहाँ पर हैवियर प्लेट लिखोगे तो बेसिकली अननेसेसरी जो है माइंड इन्होंने डाइवर्ट होगा कि भाई सिर्फ हैवियर प्लेट ही डिस्ट्रॉय हो रही है क्या? तो आप देखोगे तो प्रैक्टिकली हम इस चीज को अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा है. आ रही बात समझ में? भास्कर, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कर लेना कि हैवियर प्लेट. अगर सिर्फ ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात करेंगे, राइट, या ओशियनिक प्लेट की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन तो समझ में आ रही है चीजें. सो हैवियर प्लेट का डिस्ट्रक्शन है, आप क्रस्ट को लिखेगा यहाँ पर. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. गुड. देन ओशियनिक कन्वर्जेंस, इट फॉर्म्स सबडक्शन जोन, वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक takes place, totally takes place within oceanic convergence. Okay, डायग्राम को भास्कर थोड़ा सा क्लियर करिए इसको ना. डायग्राम के साइज थोड़ा आप बड़े कर लो. ओके सर, टेन नहीं कर दे सर, टेन खेलना पड़ेगा. क्या? टेन सर लेना पड़ेगा, इसको रिपीट करना पड़ेगा सर. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं. देखो अभी कह रहा है डायग्राम, मैंने आपको बोला ना कि डायग्राम का पर्पस ये है कि ये आपके एग्जामिनर का काम इजी करना चाहिए उसको. ठीक है, मतलब आपके एग्जामिनर का काम जो है इजी होना चाहिए डायग्राम को लेके, कि डायग्राम देखा उसको सब चीज समझ में आ गई. अब पता चला कि आपने डायग्राम भी ऐसा ड्रॉ कर दिया कि भाई एग्जामिनर परेशान है कि यार ये बनाया क्या है इसमें. ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम को लेके नीट डायग्राम बनाने की कोशिश करो. और मैंने आपको तरीका बता दिया था कि एक पर्सनल रजिस्टर, एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करिए डायग्राम के लिए, और वो आपकी एक प्रैक्टिस वर्कबुक जैसा होना चाहिए कि जिसमें आप टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आप डायग्राम्स बना रहे हो. यानी ओशन कन्वर्जेंस की बात है तो आपने डायग्राम बना दिए, उससे मिलते जुलते और जो जो डायग्राम वहां पर बनाते रहो, ड्रॉ करते रहो. मतलब ज्योग्राफी ऑप्शनल में ना, टेक दिस एज एन एक्टिविटी, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट. ये क्या है, इट इज एन एक्टिविटी, कि जितना ज्यादा आप एक्टिवली मतलब यू नो इन्वॉल्व हो रहे सब्जेक्ट में, जितना ज्यादा अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करने की कोशिश कर रहे हो, जितना ज्यादा इनोवेटिवली मतलब सोचने की कोशिश कर रहे हो, प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, उतने अच्छे रिवॉर्डिंग मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसमें. ये सब्जेक्ट की सबसे अच्छी खासियत है, सबसे अच्छी ब्यूटी है सब्जेक्ट की. क्लियर है सबको ये? ओके, तो ओशन कन्वर्जेंस, सो दे फॉर्म सबडक्शन जोन, ठीक है. वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन दिस रीजन, और इट इज टोटली टेकिंग प्लेस विद इन ओशियन. चलिए नेक्स्ट आगे मूव करेंगे. इट हैज फॉर आर्क एंड बैक आर्क, एग्जाम्पल एक्रेशनरी प्रिज्म ट्रेंचेस इन सी ऑफ जापान, बेरिंग सी, ओखोत्स्क सी. ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन्स आर इन बैक आर्क लाइक जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, एलिशियन या हवाई आइलैंड्स. ठीक है, गुड, ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है.
और एग्जांपल्स की वैरायटी, तो हमेशा कोशिश ये करो कि एग्जांपल्स की जितनी ज़्यादा वैरायटी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री, जब दोनों एक प्लेट ओशियनिक है दूसरी कॉन्टिनेंटल है, तो दे फॉर्म, ये क्या लिखा है यहाँ पर, व्हाट इज दिस, मिलेंज, फॉर्म्ड मिलेंज, फोल्ड माउंटेन्स क्रिएटेड ट्रेंच फॉर्म्ड, एग्जांपल मैरियाना ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच, ठीक है। ये आपने पॉइंटर्स के फॉर्म में इसको लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से इसको लिखो कि ये क्लैरिटी दे एकदम पूरा का पूरा। तो वॉल्केनिज्म टेक्स प्लेस एंड फॉर्म्ड लैंडफॉर्म्स, एग्जांपल सेंट हेलेना, देन ऑगस्टिन सेलाडो, माउंट सेंटोस है बेसिकली, फोल्ड माउंटेन्स हो गए आपके, रॉकीज, एंडीज, एटलस एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल, तो प्लेट बाउंड्रीज, इट इज द लास्ट प्रोसेस वंस द ओशियन स्लैब सबडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, एग्जाम्पल हिमालयन, यूराल्स एक्सेट्रा, अदर फीचर्स आर मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, इंडस सैंगपो सुटर जोन, एंड देन ओनली अर्थक्वेक, हॉट वोल्केनोस टेक प्लेस इन दिस प्लेट बाउंड्रीज। अब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है यहाँ पर क्या, आपने लिखा है वॉल्केनो टेक्स प्लेस, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट है, नॉट वॉल्केनो सर, नॉट वॉल्केनिक, अच्छा ये नॉट लिखा आपने, तो ये जो पॉइंट है ना इसको यहां से हटा के इसको सेपरेट पॉइंट लिखो यहाँ पर, ठीक है। कि ओनली अर्थक्वेक एक्टिविटी इज एक्सपीरियंस इन दिस रीजन, देयर इज नो वॉल्केनिक, या इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर लेके जाओ, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का जब मूवमेंट हो रहा है, जब कोलिजन हो रहा है, सो देयर इज नो वॉल्केनिज्म एट दैट टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल, टेक एग्जांपल ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं एंडीज माउंटेन रेंज, रॉकीज माउंटेन रेंज, तो एंडीज रेंज माउंटेन और रॉकीज माउंटेन रेंज और हिमालयन माउंटेन रेंज, ये तीनों रेंजेस सेम प्रोसेस से बने और लगभग सेम टाइम पीरियड में बने। बट यू कैन सी कि रॉकीज में, एंडीज में देयर आर मल्टीपल वॉल्केनोस, जैसे अलास्का को हम बोलते हैं वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक्स, ओके। सो ऐसे कितने सारे एक्टिव वॉल्केनो और बड़े बड़े वॉल्केनोज जो है आपको जैसे यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कोटोपैक्सी और वॉट नॉट, राइट। तो बेसिकली क्या है, प्रोसेस इनका भी सेम है, प्रोसेस हिमालय का भी सेम है। तो इन रेंजेस को क्यों मिल रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर एक प्लेट ओशियनिक थी और दूसरी कॉन्टिनेंटल थी। हिमालय में क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों प्लेट्स कॉन्टिनेंटल है, दोनों प्लेट्स की थिकनेस काफी 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 थिक प्लेट है, तो प्लेट का सबमर्जेंस इस लेवल तक नहीं हो रहा है कि वो मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होने के बाद लावा इरप्शन कैसे होना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है ये, क्लियर है ना ये चीजें। तो ये जो पॉइंट था ना, इस पॉइंट को थोड़ा सा प्रायोरिटी दो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको यहां आखिरी में ना लिख के थोड़ा ऊपर लिखो, क्योंकि आप देखते हैं ना कि जब हम कॉपी चेक कर रहे होते हैं, तो जब चीज कोई आखिरी की जो लाइन होती है वहां तक आते आते हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें एक एजम्पशन लेके चलना है कि एग्जामिनर के पास टाइम कम है आपकी कॉपी चेक करने के लिए, यानी कि जितना अच्छा आप लिखेंगे, जितने अच्छे पॉइंट्स स्टार्टिंग में लिख दोगे, उतना ही ज्यादा एग्जामिनर के लिए एक इजी रहेगा आपकी कॉपी को इवेल्युएट करने के लिए, असेस करने के लिए। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है, एनी वन वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग इन हियर, एनी वन वॉन्ट टू आस्क एनी पॉइंट टिल दिस पॉइंट। सर ये जो राइटिंग है भैया की चल जाएगी एक्सपेरिमेंट में, क्या चीज सर जो राइटिंग की है ना भैया ने, जो ये, हाँ जी, ये राइटिंग सर चल जाएगी, इसमें भी प्रॉब्लम तो नहीं है, इस राइटिंग करते हैं अपने। देखो ऐसा कोई ऐसे कुछ नहीं होता कि राइटिंग चल जाएगी या नहीं चल जाएगी, पॉइंट ये होता है कि हमें राइटिंग इस तरीके की रखनी है कि वो एग्जामिनर को समझ में आ जाए, ओके। हाँ, हमें राइटिंग ऐसी रखनी है जो एग्जामिनर को क्लियरली समझ में आ जाए, उसको रिग्रेशन ना करना पड़े। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए कि ये जैसे मान लो किसी की आंसर कॉपी है, और हम पहले एक बार ऐसे पढ़ रहे हैं और फिर वापस दोबारा पॉइंट पे आ रहे हैं लिखने के लिए। अगर आपने एक एक पॉइंट पढ़ते पढ़ते समझते चले गए हैं, ओके, किसी को मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तब इन दैट केस राइटिंग इज क्लियर, राइटिंग चल जाएगी आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ ठीक है, ये राइटिंग चल जाएगी आराम से, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी वैसे, मतलब ये तो फिर भी काफी अच्छी है, बहुत इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम वाली रहती है चीजें, ठीक है।
लेकिन वो भी चल जाती है, लेकिन हमारा पर्पज ये है कि हमें अपर लेवल पे सोच के चलना है। हमारा पर्पज ये है कि 320 तक के टारगेट को कैसे अचीव करना है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को हमें इम्प्रूव करना है सारी की सारी चीज। ओके, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, अच्छा कंटेंट लिखा है, सब चीज लिखा है, बट व्हाई आई एम गिविंग यू फीडबैक, तो पर्पज सिंपल ये है कि भाई ठीक है, जो चीज पता थी उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा आपने जो है एडअप कर लिया। ओके, तो ऑलवेज टेक क्रिटिसिज्म एज अ पॉजिटिव कमेंट और एक पॉजिटिव इनपुट की तरह इसको लो हमेशा। ओके, देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो ये है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स, राइट, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। सो आराम से अराउंड आप मान के चलिए कि 250 से 300 वर्ड्स का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, व्हेन टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, देर आर दीज आर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, गुड। सो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट एंड ओशियन ओशियन ओशियनिक। ओके, तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में लिखा कि अंडर दिस रिफ्ट वैली आर क्रिएटेड, एग्जाम्पल ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ग्रेट लगा देना यहाँ पे, ठीक है। देन ओशियन ओशियनिक में हो गई प्लेट डाइवर्जेंस बाउंड्री, जो मिड ओशियनिक रिज की हम लोग बात करते हैं, अंडर दिस मिड ओशियनिक रिजेस आर क्रिएटेड, तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो अटलांटिक ओशन के मिड ओशियनिक रिज का और मिड ओशियनिक रिज के थोड़े से लैंड पार्ट्स को भी समझा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक ऑल्सो टेक्स प्लेस इन दिस जोन, ठीक है, दिस इज ओके। डायग्राम भी क्लियर है यहाँ पर, डायग्राम इज कंपेरेटिवली मच क्लियर, गुड। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। तो ट्रांसफॉर्म प्लेट्स में क्या होता है, सो अंडर दिस टू प्लेट्स आर मूविंग लेटरली, और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि हियर द प्लेट्स आर नाइदर कोलाइडिंग नॉर डाइवर्जिंग, द सिंपली द प्लेट्स स्लाइड पास ईच अदर, एक एक स्लाइडिंग डोर की तरह जो प्लेट्स है दे हैव स्लाइड पास्ट, ठीक है। यहीं पे ऐसा एक डायग्राम बना दो स्टार्टिंग में, इस तरह से यहीं पे एक डायग्राम बना दो। नो वोल्केनिज्म टेक्स प्लेस, नो फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट, अर्थक्वेक टेक्स प्लेस, एग्जांपल सैन फ्रांसिस्को, द फॉल्ट्स आर सैन एंड्रियास फॉल्ट बिटवीन पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिका, अनातोलियन फॉल्ट बिटवीन यूरेशियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट। इसके अलावा जो आपको ध्यान होगा, जो 2004 की जो सुनामी आई थी, नॉट 2011 या 10 या देखना पर कौन सी सुनामी थी, वो बेसिकली 2011 या 12 की जो सुनामी थी वो भी बेसिकली ट्रांसफॉर्म प्लेट की वजह से हुई थी, ठीक है, वो भी ट्रांसफॉर्म प्लेट की वजह से हुई थी। सिमिलैरिटी इन दीज थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज आर, अर्थक्वेक इज जनरेटेड इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इन ऑल थ्री, डायनेमिज्म ऑफ अर्थ सरफेस टेक्स प्लेस, मॉडिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, यस दिस इज गुड, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल चैनल्स, ये भी ठीक है, गुड। हमेशा आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस का, किसी भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस का आपको इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी जरूर शो करना है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। क्लियर है ये, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, तो यहाँ पे टाइम कितना लगा था पहले ये देख लेते हैं हम। भास्कर कितना टाइम लगा रहा है इस क्वेश्चन पे? लग गया सर 35 मिनट। यहाँ पे लिखा है 1 आवर। पहले वाला सर 35 मिनट लग गया था। क्या क्या? पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें 35 मिनट लग गया था। नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू, आप कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के बारे में लिख दे, ठीक है। अब बाकी इतना ज्यादा थोड़ा सा ना ओवर एक्सप्लेनेशन हो गया यहाँ पे कई जगह पे, ओके, कई जगह पे ओवर एक्सप्लेनेशन है, तो दो दो लाइन में समझा दो इनको ट्रांसफॉर्म प्लेट क्या है। कोशिश आपने करी है कंसाइज थी ये काफी ज्यादा, लेकिन स्टिल इसमें कुछ स्कोप है अभी कंसाइज होने का। ओके, तो थोड़ा सा इसको और कंसाइज करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से।
डिस्कस द मेथड ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक. हाउ आर सेस्मिक जोन्स डिमार्केटेड? हाउ आर सेस्मिक जोन्स डिमार्केटेड? सो अर्थक्वेक मीन्स वाइब्रेशन इन अर्थ सर्फेस कॉज ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स एंड दीज वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है. अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड इन जनरल इन अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड जनरली इन टू वेज ठीक है. दैट इज मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी. सो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड इट मेजर्स द एनर्जी रिलीज फ्रॉम सोर्स बस. इट इज मेजर थ्रू रिक्टर स्केल एंड सेस्मोमीटर. इसमें यूज करने की फिर यहां लिखने की जरूरत नहीं है ना. इट इज मेजर थ्रू रिक्टर स्केल एंड सेस्मोमीटर. इट इज मेजर्ड फ्रॉम 1 to 10 स्केल. अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड ये क्या है यहाँ पर? वॉट इज दिस? ये ना न्यूमेरिक 2 है क्या ये? अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 2 इज 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन अर्थक्वेक 1. ठीक है. अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 2 इज 36.5 टाइम्स मोर एनर्जी रिलीज देन मैग्नीट्यूड 1. इट इज डिटरमाइंड बाई लार्जेस्ट वेव रिकॉर्डेड ऑन अ सेस्मोग्राम. ठीक है. बढ़िया. गुड. इंटेंसिटी पे आते हैं. इट इज इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ वाइब्रेशन जनरेटेड बाय अर्थक्वेक्स एंड इट वेरीज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन. Epicenter experiences less vibration. It is measured by Mercalli scale from 1 to 12. ठीक है. तो Mercalli scale को भी समझा दिया आपने और Richter scale को भी समझा दिया. अब पार्ट क्या है इसका दूसरा? कि how they are demarcated. तो determination of seismic zones. तो seismic zones are demarcated on the basis of past data experience of earthquake intensity on Mercalli scale, tectonic setup in the region. Initially, the Bureau of Indian Standard divided India into 5 zones, but after what is this? Kilari earthquake in Maharashtra in 1993, zone 6 was converted into zone 2. ये लिखा ना यहाँ पे ये. Zone 1 was converted into zone 2. Now there are 4 zones of earthquake in India. Zone 5, most intensive, most destructive. Example, parts of J&K, Himachal Pradesh, Uttarakhand, North Bihar, North East India, Kutch area of Gujarat, Andaman and Nicobar. Good. Then Zone 4 pe aate hai, toh it is surrounding area of Zone 5. J&K, Himachal Pradesh, Delhi, Sikkim, Goa, part of West Bengal and Gujarat. Zone 3 kaun sa hai? Moderate intensity wala, Lakshadweep, Kerala, part of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Central India, Odisha. और जोन 2 में कौन सा है? सबसे लो इंटेंसिव वाला जो कर्नाटक प्लेटू वाला रीजन, डेक्कन प्लेटू वाला रीजन बेसिकली. तो कर्नाटक प्लेटू रीजन, देन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा. ठीक है, ये क्लियर है. यहाँ पे जो डायग्राम है, अभी डायग्राम को आपको काफ़ी बड़ा बनाना पड़ेगा. अभी आप देखो फ्रेम आपने बना दिया बड़ा. ओके, फ्रेम तो आपने काफ़ी बड़ा बना दिया लेकिन डायग्राम इतना सही रहेगा. तो डायग्राम यहाँ पे कोशिश करो कि एटलीस्ट ये कम से कम हाफ पेज का यहाँ पे डायग्राम बना दो और साइड में लिखना चालू कर दो इसको. ये जितना मैटर है वाला डिस्टर्मिनेशन, ये जो इतना पोर्शन है ये आप साइड में लिख सकते हैं इस तरीके से फॉर्मेट में. एंड इतने बड़े एरिया में डायग्राम बनाओ ताकि एक एक चीज़ यहाँ क्लियर दिखे. और ऑब्वियसली अभी कलर्स वगैरह तो आप यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपको मतलब कोई लॉकडाउन वाली कंडीशन की वजह से, पर जब भी आप अरेंज कर पाते हैं प्लीज़ डू यूज़ दैट थिंग. ठीक है, नंबर इस पर भी अच्छे मिल जाएंगे आपको, लेकिन जैसे बता रहा हूँ अगर करते हो तो एक दो नंबर और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं. ठीक है, कुछ पूछना है आपको यहाँ पर? डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन भास्कर? सर, मुझे ये सेकंड वाला क्वेश्चन लग रहा था. हाँ, उसमें कुछ ज्यादा ही कंटेंट लग रहा है. क्या लग रहा है? कंटेंट कुछ ज्यादा ही लग रहा है, मतलब.
हाँ कंटेंट उसमें है ज्यादा, कंटेंट उसमें है ज्यादा, कट कर सकते हैं मतलब कहाँ पे मतलब डिसाइड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप कोशिश ये करना कि आपने जो ये वाला जो आंसर लिखा है ना, ठीक है, इसी आंसर को एक बार पढ़ के और दोबारा से बिना देखे आंसर लिखना, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ये इसी आंसर को पढ़ो जो आपने लिखा है और इस आंसर को पढ़ने के बाद दोबारा इसको लिखो और डेडलाइन में लिखो कि भाई 8 मिनट में 10 मिनट में मेरे को ये लिख देना है पूरा का पूरा, अपने आप छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। डायग्राम्स बनाने हैं, बिल्कुल ऐसे लिखना है कि आप रियल मेन एग्जाम में आंसर लिख रहे हो, वाला ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हो जाएगा वर्ड लिमिट। ओके यस, ऐसे मेरी क्वेरी है सर, मैंने आज ये बैच ज्वाइन करा है तो मुझे नहीं पता है कि हमें आंसर राइटिंग और किस नंबर पे अपलोड करना है, ताकि आप चेक कर सकें। आप व्हाट्स योर गुड नेम? निशांत आर्य। तो निशांत आपने कौन सा बैच ज्वाइन करा है, मतलब जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन करा है या आंसर राइटिंग? फाउंडेशन एंड ऑप्शनल सीस है। अच्छा, आपने ऑप्शनल भी ज्वाइन करा है और आपने जीएस फाउंडेशन भी ज्वाइन करा है। यस सर। तो निशान, इसमें ये है कि आप, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं ऑप्शनल, ओके, ये जो प्रोग्राम है बेसिकली, दिस प्रोग्राम इज फॉर आंसर राइटिंग सेशन, यानी कि फॉर इट इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन अपकमिंग मेन एग्जाम, ओके, एंड जिन्होंने ऑप्शनल अपना तैयार कर लिया है, दे जस्ट नीड प्रैक्टिस, ओके। तो यहाँ पर वी आर डूइंग कि हम मॉर्निंग में मैं क्वेश्चन शेयर कर लेता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, उस पर वो लोग आंसर्स लिखते हैं और आंसर्स लिखने के बाद मैं उनको पर्सनल फीडबैक देता हूँ उस पर, ओके। तो आपकी चीज़ें अभी आगे होंगी, आपने अगर आज से ही ज्वाइन करा है तो अभी आपने जैसे जीएस में सुबह मुझसे मॉर्निंग में ज्योग्राफी की क्लास अटेंड करी होगी, ओके। तो उसके बाद मतलब अभी ऑप्शनल जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 20 जून, 20 जून से बैच स्टार्ट होने जा रहा है ऑप्शनल वाला ज्योग्राफी का, तो उसमें फिर आप क्लास अटेंड करेंगे वो वाली, ओके। सो नाउ नेक्स्ट कॉपी इज ऑफ मिस्टर अभिषेक, अभिषेक ने भेजी है ना? यस सर। चलो, सो कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, कितने क्वेश्चंस लिखे हैं अभिषेक आपने? तीनों लिखे हैं सर, थोड़ा लास्ट में मैंने वो चिप फर्स्ट वाला लास्ट में लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभिषेक ये बताओ सबसे पहले, मतलब कि राइटिंग पे सीरियसली काम करना चालू कर दो आप, ओके, राइटिंग पे सीधा सीधा मतलब क्लियरली आप काम करना स्टार्ट कर दो, खासतौर पे जो अलाइनमेंट नहीं आ रही है वर्ड लाइनिंग की, आप देख रहे हो ना चीजें? हाँ, कोशिश करते रहो, ऐसे ही लिखते रहो, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, पहले से काफी ज्यादा है। पहले शुरू में याद है कैसी थी आपकी, एक ऐसे जा रही थी लाइन? सर पेन बदला हूँ सर, वो क्यों, क्योंकि हो नहीं रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, नॉर्मल पे लिख रहा हूँ तो राइटिंग अच्छी आ रही है, इस पे नहीं आ रही है। पहले राइटिंग कुछ इस तरीके से आ रही थी, याद है? तो अभी तो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया इससे। सो कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, सो आवर सरफेस एस, ये ओ यहाँ पे कलक मतलब सही कर लेना इसमें, सो आवर सरफेस इज कवर्ड बाय 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स एंड मैनी माइनर प्लेट्स एंड मैनी माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट इज कंप्राइज ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल लेयर, इट कैन बी अ टोटली कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट और कंप्राइज बोथ, दे मूव विद रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड मूवमेंट वेरीज फ्रॉम मीटर टू, ओके ठीक है, तो थोड़ा सा इसको करेक्शन है यहाँ पे। देन कन्वेक्शन करंट्स इन द एस्थिनोस्फेयर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लेट मूवमेंट, देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफर प्लेट्स, कन्वर्जेंस बाउंड्रीज। सो इट इज क्रिएटेड व्हेन टू प्लेट मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर एंड वन प्लेट अंडरगोस टू द अनदर प्लेट्स एंड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट, ठीक है, काफी एकदम क्लियर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस बाउंड्रीज, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंट ओशनिक प्लेट एंड ओशनिक ओशनिक। अब देखो हो क्या रहा है कि आप जब ना प्लेट समझा रहे हो
तो या तो इतना करके छोड़ दो, इससे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन मत करो, क्योंकि क्या हो रहा है ना, फिर आपकी वर्ड लिमिट आगे के लिए जो है कम पड़ जाएगी। भास्कर आपने भी यही चीज़ करा है, ठीक है, एक एक चीज़ को समझाया आपने। तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट लिख रहे हैं, कॉन्टिनेंट ओशनिक प्लेट लिख रहे हैं, सिंपल यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दो उसका, एक दो एग्जाम्पल लिखो और आगे बढ़ो। ओके एक एक लाइन में करके इनको एक्सप्लेन मत करना बहुत ज़्यादा, नहीं तो फिर वर्ड लिमिट की प्रॉब्लम आगे पड़ेगी पड़ेगी, फिर बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा फिर ये। देन कॉन्टिनेंट, हाँ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट्स आर एक्टिविटीज लाइक फूड, तो इसमें लिखो द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट्स आर, द रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ द कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट्स आर, तो फोल्डेड माउंटेन रेंज, देयर इज नो सबडक्शन जोन, अर्थक्वेक में ओरिजिनेट, नो वॉल्केनिक एक्टिविटी। ओके अब ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सबसे आखिरी में आ रहा है सबके, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलो, ये कहीं से किसी मतलब नेट वगैरह की यूज किया गया नेट वगैरह को? नो सर, ये मेरे नोट्स है मेरे पास, उसमें से लिया था, उसमें तो और ज्यादा लिखा था सर, तो कम करने में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ ठीक है, तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट करके और एग्जाम्पल आप ऊपर लिख दो, इतना इसको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप अननेसेसरी आपके जो है पेज का स्पेस काफी मतलब चला जाएगा यहाँ पर। ओके कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट लिखा, एग्जाम्पल कॉन्टिनेंट ओशियनिक, फिर एग्जाम्पल, इस तरीके से खत्म करो उसको आगे, इनको सबको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। जैसा ट्रेंचेज आर क्रिएटेड एट द मीटिंग जोन्स ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, देन यू आर कमिंग टुवर्ड्स ओशियन ओशनिक कन्वर्जेंस, द अकरेंस ऑफ वॉल्केनोज इन द ओशियन अर्थक्वेक ओरिजिनेटेड। ओके देन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, सो टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, अ न्यू क्रस्ट इज क्रिएटेड इन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, देर आर टू टाइप्स, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल एग्जाम्पल रिफ्ट वैली, ओशियनिक ओशियनिक एग्जाम्पल मिड ओशियनिक रिज। अब यहाँ तक अगर लिखा है तो ठीक है, अगर इससे आगे एक्सप्लेन करा है इन सब चीज़ों को तो ऑब्वियसली फिर आपने खुद अपना मतलब वर्ड लिमिट को करा है, लेकिन ठीक है ये यहीं तक लिखा है आपने इसमें। ओके आपने खुद मतलब खुद आपने तो डायग्राम बनाया था, बात डायग्राम बनाना कंपलसरी है सर। कहाँ पर सर? जैसे रिफ्ट वैली का, मिड ओशियनिक रेंजेस का, इसका डायग्राम बनाना है सर। देखो रिफ्ट वैली का तो आप सिंपल एक अफ्रीका का एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाओ और उसमें दिखा रहे हो इस तरीके से करके कि ये एरिया सब रिफ्ट वैली वाला है, ठीक है, एक ऐसे दिखा रहे हो उसमें, और एक जो है छोटा सा डायग्राम मिड ओशनिक रिज का बना दो। डायग्राम्स तो देखो आपकी आंसर कॉपी ना बोलती होनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आंसर कॉपी किसी की पढ़ी जा रही है, किसी जेन्युइन स्टूडेंट की, तो डायग्राम्स तो आपको बनाने हैं, ठीक है, डायग्राम्स आपको बनाने हैं, जितना ज्यादा बना सकते हो उतना अच्छा है डायग्राम्स के लिए। तो ओके सो हाँ, तो ये वाला ऐसे अफ्रीका का छोटा सा डायग्राम बनाओ, चाहे इतना पोर्शन अफ्रीका का दिखा के और फिर रिफ्ट वैली वाले पोर्शन को दिखा दो, देखने से ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। वो प्रैक्टिकल रिफ्ट वैली नहीं बनानी कि इस तरह से पूरी वॉल बना के आप दिखा रहे हो कि ये बीच में रिफ्ट वैली है, वो नहीं दिखानी है, सिंपल अफ्रीकन रिफ्ट वैली आप दिखा रहे हो, तो एक इतना पोर्शन अफ्रीका का बनाओ और फिर ये रिफ्ट वैली यहाँ पे शो कर दो। ओके सर, इजी है तो हाँ ये इजी रहेगा, इजीली बन भी जाएगा और इम्प्रेशन भी अच्छा छोड़ेगा ये। यस काफी लोग इस टाइम पे लेट इतना ज्वाइन कर रहे हैं। यस मनप्रीत धीरज इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग? धीरज साहू मनप्रीत बराग इतना लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग? चले लेट्स कम बैक टू द ट्रांसवर्स बाउंड्रीज, इट इज क्रिएटेड व्हेन द प्लेट स्लाइड्स ईच अदर विदाउट सबमर्जेंस एंड द क्रिएशन ऑफ एनी प्लेट, इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए फिर से। आप सिंपल ये लिख दीजिए, इन दिस नाइदर द प्लेट्स आर कोलाइडिंग नॉर दे आर डाइवर्जिंग, नॉर दे आर डाइवर्जिंग, द प्लेट्स सिंपली स्लाइड पास्ट ईच अदर। और जो डायग्राम है इस डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर ले आओ, यहाँ पे साइड में इस तरह से यहाँ पे इसको यहाँ जगह दो। ओके ओके हाँ
सो एल्पाइन फॉल्ट इन न्यूजीलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसवर्स बाउंड्री. देन सिमिलैरिटी इन थ्री बाउंड्रीज, अर्थक्वेक इज जनरेटेड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. ठीक है, ठीक है, वाला कंपैरेटिवली कंसाइज आंसर है, लेकिन थोड़ा सा जो काम करना है वो तो राइटिंग पे करना है. दूसरी चीज़ क्या है कि कहीं कहीं पे जो है वर्ड्स को आपको सिंपली मतलब थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. डिस्कस द मेथड ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. अर्थक्वेक, हाउ आर सेस्मिक जोन्स डिमार्केटेड? How are seismic zones demarcated? So earthquake means a shaking of the earth. It is caused due to the release of energy, which is generally in the form of wave that travels in all directions. अब मैं देख रहा हूँ डेफिनेशन दोनों की कॉमन है, भास्कर की भी और अभिषेक की भी. तो सोर्स क्या आप लोगों का? You have taken 45 minutes for this question. 45 minutes लगे इस क्वेश्चन के लिए. Yes, so earthquake is measured by generally two ways, that are magnitude and intensity. Okay, then magnitude. So magnitude of earthquake measures the energy release of from source. Energy released, इसको हटा दो आपको, released from source. Measurement of magnitude. या मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल एंड द सेस्मोमीटर इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक. इट इज बीइंग मेजर्ड 1 टू 10 स्केल एंड द अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड मेजरिंग 2 इज 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन द मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक मेजरिंग 1. ठीक है, एन अर्थक्वेक मेजरिंग रिक्टर स्केल मोर देन 7 कॉजेज डिस्ट्रक्शन एंड रिक्टर स्केल 1 टू 2 लेवल कम्स daily and does not cause any harm or generally does not feel. देखो grammatical errors. And connectivity in sentence. ये दोनों ही problem हो रही है इसमें आपको. ठीक है, मतलब आपको चीजें पता है बट यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट देम इन अ सिंपल लिसिड मैनर. आपने देखा होगा कि अगर कोई ऑथर है, उस ऑथर ने अपनी बुक को बहुत ही सिंपल लिसिड मैनर में लिखा है, ठीक है, तो वो बुक बहुत ज्यादा अप्रिशिएट की जाती है. और जब कोई ऑथर ने बुक ऐसी लिखी है जहां उसके पैराग्राफ्स में, उसकी लाइंस में पढ़ने में कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, एक कोहेरेंस नहीं आ रहा है, तो उसकी बुक इतनी अप्रिशिएट नहीं की जाती. इसका मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल आप लीजिए, पॉलिटी बुक तो पढ़ी है ना सबने, पॉलिटी. यस सर. तो एक बुक है डी डी बासु और दूसरी बुक है एम लक्ष्मीकांत. दोनों में से कौन सी बुक आप पढ़नी पसंद करेंगे? लक्ष्मीकांत. ठीक है, डीडी बासु बुक जो है एम लक्ष्मीकांत से काफी टाइम पहले की आई बुक है. ठीक है, काफी टाइम पहले का मतलब यह कि व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, तो उस टाइम पे मैंने लोगों को देखा है डीडी बासु बुक पढ़ते हुए. ओके, तो डीडी बासु बुक, उसके बावजूद, इतनी पुरानी बुक होने के बावजूद भी ये उतनी हिट नहीं हो पाई यूपीएससी एस्पिरेंट्स में जितनी एम लक्ष्मीकांत है. टॉपर से आप इंटरव्यू पढ़ोगे बोलेंगे डीडी बासु, लेकिन सब परचेज करके रखते हैं, थोड़ा बहुत ही पढ़ पाते हैं, पढ़ते सब है बाय हार्ट एम लक्ष्मीकांत को. सिंपल रीजन है क्योंकि इस एम लक्ष्मीकांत बुक में हर चीज का एक कनेक्टिविटी है. ठीक है, हर पैरा में कनेक्टिविटी है, आपको लगेगा एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ रहे हो चीजों को. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर चीजें पढ़ने के टाइम पे ग्रामेटिकल एरर्स प्लस बहुत सारे कहते कनेक्टिविटी वाले पॉइंट्स भी मिसिंग हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक फ्लो नहीं बन पा रहा है पढ़ने का. और जब फ्लो नहीं बन पा रहा है तो बार बार क्या होगा, एग्जामिनर पहले इस पॉइंट को पढ़ेगा फिर पीछे जाएगा, फिर इसको पढ़ेगा फिर पीछे जाएगा, ताकि वो फ्लो को मैच कर पाए. तो जब रिग्रेशन अगर आंसर कॉपी में हो रहा है, मतलब रिग्रेशन अगर चेकिंग के दौरान अगर हो रहा है, यानी रिग्रेशन का मतलब होता है कि जिस चीज़ को एक बार चेक कर चुके हैं वापस बार बार पीछे जाना पड़ रहा है,
तो ऐसे कंडीशन में फिर अभिषेक मतलब स्टूडेंट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके तो कंटेंट आप अच्छा लिख रहे हो लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ग्रामेटिकल एरर्स और कनेक्टिविटी वाले जो वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस हैं वो आप यूज़ नहीं कर पा रहे। कनेक्टिविटी वाले वर्ड्स आप यूज़ करना सीखो रोडा सिस्टम। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द लार्जेस्ट वेव रिकॉर्डेड ऑन अ सिस्मोग्राफ। ठीक है, अच्छा अब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जा सकता है, मैंने आपको प्रॉब्लम को बता दिया, प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकते हो आप। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे, पढ़ते हो ना, बाकी के भी सारे स्टूडेंट्स जिनको ये अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई भी एक आर्टिकल उठा लो उसमें से और उस आर्टिकल को 200 वर्ड्स में 10 मिनट्स के अंदर लिखने की कोशिश करो। कोई भी रैंडमली आर्टिकल ले लो और उसको 10 मिनट्स के अंदर लिखने की कोशिश करो 200 वर्ड्स में। ठीक है, 200 की जगह 250 कर लो, चलो ऐसे 250 वर्ड्स में। एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है जो काफ़ी लोगों को जो शौक होता है डायरी लिखने का, डायरी राइटिंग का। जब डायरी राइटिंग कर रहे हो तो आप पूरे दिन की जो भी आपकी एक्टिविटीज़ थी, दिनचर्या थी, आप उसके बारे में लिख रहे हैं और आप जब लिख रहे हो तो ऑब्वियसली, लेकिन आप डायरी राइटिंग आपकी पर्सनल चीज़ है, उसको मैं तो चेक करूंगा नहीं। तो आप इस तरीके से कोशिश करो कि कनेक्टिविटी बन पाए आपके सेंटेंसेस में। पर्पस मेरा सिर्फ इतना कहने का है कि आपके जो भी आप कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं वो कंटेंट में बेसिकली कनेक्टिविटी शुड बी देयर। ठीक है अभिषेक, क्लियर आ रही चीज़ें? यस सर। देन डिमार्केशन ऑफ सेस्मिक जोन। तो सेस्मिक जोन्स आर डिमार्केटेड बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा ऑफ अर्थक्वेक इंटेंसिटी ऑन मर्करी टेक्टोनिक सेटअप इन द रीजन। ठीक है, अब आपने मैप बनाया है और मैप जो है काफ़ी बड़ा बनाया है। ठीक है, और बाकी मैप में काम करने की काफ़ी ज़रूरत है आपको। ओके, क्योंकि अभी शुरुआत का टाइम है। क्या चीज़? प्रैक्टिस करूँगा तो हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, देखो प्रैक्टिस ही अल्टीमेट रामबान है। इस सारी प्रॉब्लम का, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो तभी दूर होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इनिशियली आपने डायग्राम बनाया है, कोशिश करी है, तो आई कैन से कि इट्स अ नाइस अटेम्प्ट। ओके, बाकी अभी आगे सब्सिक्वेंट आंसर राइटिंग सेशंस में मैं एक चीज़ और करूँगा आपको गाइस, कि आपको तरीका बनाना है मैप राइटिंग का। ठीक है, मैप राइटिंग का आपको एक तरीका बनाना है। अब मैं समझाता हूँ आपको, एक मिनट ज़रा। यस, तो मैपिंग में बेसिकली क्या करना गाइस आपको, कि एक तरीका, एक टेक्निक आपको इवॉल्व करनी है। अगर वाकई आप चाहते हो कि भाई ठीक है काफ़ी मोर देन एवरेज नंबर मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इंडिया का मैप, क्योंकि इंडियन मैपिंग पे आता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है, इंडिया का मैप है उसको ड्रॉ करने का, छोटे से छोटे साइज में ड्रॉ करने की आदत होनी चाहिए। सपोज करो ये आपकी A4 साइज की पूरी शीट है ये। अब आपने क्या करा, हाफ पेज में आपने ये सपोज करो वेस्टर्न घाट्स पे हमें एंट्री शो करनी है, तो मैंने क्या करा कि सबसे पहले इस तरह से एक डायग्राम बनाया। ओके, और ऊपर अगर जम्मू कश्मीर वगैरह लद्दाख सब बनाने में प्रॉब्लम आती है तो सिंपल नॉर्दर्न साइड में बना दो हिमालय से, टाइम भी बच गया और एग्जामिनर को भी क्लैरिटी मिल गई कि भाई ठीक है माउंटेन्स भी शो कर रहा है ये, सब चीज़ कर रहा है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आपने वेस्टर्न घाट्स को शो कर दिया और फिर इधर आप वेस्टर्न घाट्स के बारे में लिख रहे हैं। ये जो फ्रेम आप बनाएंगे, ये जो बाउंड्रीज बनाएंगे, कि ये आपको स्केल यूज करना है यहाँ पे। साथ के साथ क्या करना है गाइस, यहाँ पे इंसेट में एक छोटा सा इंडिया का मैप बना के, और आपको जो ये वाला पॉइंट है, इंडिया का जो ये वाला पॉइंट है, उसको इस तरीके से यहाँ पे शो कर देना कि ये जूम करके हम दिखा रहे हैं इसको। समझ पा रहे हो कैसे समझाना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ, तो ये एक हैबिट डालो हमेशा कि
कि मान लो कभी गुजरात की किसी एंट्री का नाम आ रहा है, तो आपने गुजरात का एक मैप है जो बड़ा सा बनाया, इनसेट में यहां पे आपने इंडिया का मैप बनाया और आपने दिखा दिया कि ठीक है ये पॉइंट है, ऐसे करना। क्लियर हो रहा है सबको ये? भास्कर, फहद, अभिषेक, हाँ। तो ये मैं किसी बंदे का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ये मैंने आंसर कॉपी एक बहुत ही ऐसे टॉपर की देखी है जो मतलब बेसिकली उसका इंटरव्यू में स्कोर कुछ खास नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने ये टेक्निक यूज़ की थी अपनी मैपिंग के टाइम पे, और उस टाइम पे मैपिंग में थोड़े नंबर ज़्यादा मिलते थे, अभी तो 20 मार्क्स ही मिल रहे हैं, उस टाइम पे 60 मार्क्स का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन हुआ करता था। ओके, तो मैपिंग में उसने ये वाली टेक्निक यूज़ करी थी और ये टेक्निक वाकई बहुत काम करी थी। और मैपिंग में आपको मैंने बताया पहले भी कि मैपिंग के क्वेश्चन इज लाइक मैथमेटिक्स, अगर अच्छा हुआ है तो पूरे फुल आउट ऑफ फुल आपको मिल जाते हैं उसमें। ओके, तो ही यूज दिस टेक्निक और वो मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर जिसे कहते हैं, और उस बंदे को बनना आईपीएस था, आईपीएस से उसकी चॉइस थी, तो इसलिए बेसिकली इजीली उसको अपनी जो मोक्ष रैंक थी आईपीएस वो उसको मिल गई। मोक्ष रैंक का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन है उसको आईएएस चाहिए, लेकिन बनाए वो आईपीएस, आईपीएस बनने के बाद भी वो डिससेटिस्फाइड रहेगा, तो दोबारा से अटैम्प्ट देगा आईएएस का कि भाई ठीक है आईपीएस तो मिल गया, दोबारा से अटैम्प्ट देते हैं। हर साल आप देखते हो ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो बेसिकली गाइस क्या होता है कि जब तक वो आईएएस नहीं बन जाता, जब तक उसको उसकी मनचाही रैंक नहीं मिल जाती, तब तक हम कहते हैं कि इसको उसकी मोक्ष रैंक नहीं मिली है। तो इस पर्सन की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको आईपीएस ही बनना था और वो पहले अटेम्प्ट में ही बन गए आराम से। उसका सिंपल रीज़न था, एक बहुत बड़ा फैक्टर था बेसिकली उनका ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्कोर, कि बाकी जगह भी उन्होंने अच्छे डायग्राम्स वगैरह यूज़ करे, ठीक है। और जो मैपिंग वाला पार्ट था, उस मैपिंग वाले पार्ट में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया कि 60 मार्क्स का अगर क्वेश्चन था मैपिंग का, तो इजीली ही हैड स्कोर्ड अराउंड 55 मार्क्स इन मैपिंग पार्ट, राइट। लेकिन टेक्निक उन्होंने कुछ टेक्निक्स इवॉल्व करी थी, उसमें से एक थी ये वाली चीज़ कि उन्होंने एक तरफ डायग्राम बनाया, इसको कलर भी कर दिया, ओके इसको कलर भी कर दिया, यानी एग्जामिनर के पास, एग्जामिनर को मजबूर कर दिया कि भाई मेरे को नंबर देने ही है, देने इसको, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं इसको नंबर ना देने की। बात समझ में आ रही है कि आपने एग्जामिनर को इस कदर मजबूर कर दिया कि भाई उसको देना ही पड़ रहा है नंबर, एक नंबर दो नंबर एक्स्ट्रा। सो ये चीज़ आप भी कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस करो। और कोई भी मैप शुरुआत में अच्छा नहीं बनता है, ओके किसी का भी नहीं बना था, मेरा भी नहीं बना कभी शुरुआत में अच्छा मैप, ठीक है। तो मैप पे काम करते रहना जरूरी है, मैप और डायग्राम पे। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि एक एक्सक्लूसिव रजिस्टर आप मेंटेन करके रखिए इस चीज़ के लिए। सो इनिशियली द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डिवाइडेड द कंट्री इनटू 5 सेस्मिक जोन्स, बट आफ्टर किलारी अर्थक्वेक इन महाराष्ट्र इन 1993 जोन 1 वॉज कन्वर्टेड टू जोन 2, नाउ देर आर 4 सेस्मिक जोन्स इन इंडिया। अब जैसे अभिषेक ने और भास्कर ने कॉमन एक जो है सोर्स यूज कर लिया है, ठीक है, तो इनका आप देखोगे कि इजीली ये चीज पकड़ में आ रही है कि भाई ये एक ही जगह से इन्होंने मैटर लिखा है। समझ रहे हो आप लोग? भास्कर दिख रहा है चीजें कि एक ही सोर्स आप लोगों ने यूज करा है, वर्ड बाय वर्ड, एग्जांपल बाय एग्जांपल, हर चीज आपकी सेम आ रही है। अब ऐसी चीजों से बचोगे कैसे? देखो हमेशा ध्यान रखना बात को, जो एग्जामिनर होता है उसके पास भी एक बार में 40-50 कॉपी तो होती है। अब मान लो 3-4 कॉपियां, मतलब मैंने अभी चेक करी भास्कर की आंसर कॉपी, उसके बाद मैं इनकी कॉपी चेक कर रहा हूं, तो मुझे सीधा इंप्रेशन मिल गया है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने कहीं से कोचिंग वगैरह से जो है नोट वगैरह पढ़ाई करी है और कोचिंग से इन्होंने तैयारी करी है। ओके, तो एक बार मेरा ये इंप्रेशन बन गया तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, मेरी जो मार्किंग है थोड़ी सी जो है उसमें स्ट्रिक्टनेस कहीं ना कहीं आ जाएगी। सेम कंटेंट है, अभी मेरे जनरलाइज हो गए, कुछ इसमें नया मिला ही नहीं मुझे, क्योंकि पहले एक स्टूडेंट है उसने ये आंसर लिखा हुआ बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड, किलारी अर्थक्वेक, यहाँ पे भी किलारी अर्थक्वेक आया हुआ है, महाराष्ट्र वहाँ पे, यहाँ पे भी सेम चीज़ की जोन 1 वाज कन्वर्टेड टू जोन 2, सेम चीज़ लिखी हुई है। बेसिकली हमेशा आप कोशिश ये करा करो कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मटीरियल फॉलो करके आंसर लिख रहे हो, हमेशा थोड़े से अपने वर्ड्स में यूज करो, और जो एग्जाम्पल कोचिंग वालों ने लिखवाए हैं उनको या तो रैंडम कुछ एग्जाम्पल सेलेक्ट करो, जैसे मान लो किसी ने किलारी कर लिया, किसी ने कोई भुज वाला कर लिया, इस तरह के कुछ कर लिया, लेकिन यहाँ तो चलो एक रीजन था कि ये किलारी के बाद जोन 1 को जोन 2 में कन्वर्ट कराया, कुछ ऐसी चीज कराए, तो इसका जरा सा ध्यान रखना है,
ओके कि कॉमन डायग्राम्स और कॉमन एग्जांपल्स इनका यूज नहीं करने हैं, एग्जामिनर को हिंट नहीं मिलना चाहिए कि यू आर एन एस्पिरेंट हु हैज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोचिंग्स. आर आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस सर. जोन 5 इट इज द रीजन ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ मोस्ट इंटेंसिव अर्थक्वेक एरिया, अ स्मॉल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्दर्न बिहार. ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे ऐड कर लिया आपने सबने. जोन 2, जोन 3, राइट? नॉर्मल बुक ट्रैक कर दिया है जीएसटी बुक ट्रैक इसमें. जीएसटी नॉर्मल भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी सेम सेम. हाँ, किसी भी बुक में लिया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में, ओके, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करो और साथ के साथ मल्टीपल एग्जांपल्स को यूज करने की कोशिश करो. सेम फॉर्मेट एज इट इज मत करो कॉपी पेस्ट. मैंने बोला ना कि यूपीएससी ऑलवेज अवॉर्ड इनोवेटिवनेस. अगर आप देख रहे हो कि मान लो सविंदर सिंह आप पढ़ रहे हो, सविंदर सिंह साहब पूरा का पूरा मैटर उठा रहे हो, तो एग्जामिनर को पता है. और मतलब ऑन एन एवरेज 4000 स्टूडेंट ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं मेंस में हर साल. 3500 से 4000 के बीच में वेरी करता है डेटा. तो ये सोचो कि मैक्सिमम लगभग 80% लोग तो सविंदर सिंह बुक पढ़े ही होंगे. अब एज इट इज पैरा वहां से उठा के आप डालोगे तो ऑब्वियसली बुकिश इन्फॉर्मेशन अगर आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर लिखोगे तो नंबर आपको एवरेज ही मिलेंगे उसमें. आप ये जो कर सकते हो कि आपने 2-3 सोर्सेज से रेफर किया, उन सोर्सेज को रेफर करने के बाद आपने खुद के पर्सनल नोट्स बना लिए. चलिए लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब फ्रियाटिक इरप्शन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज. सो द फ्रियाटिक इरप्शन इज वन टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन व्हेन मैग्मा हीट्स अप ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर और बोथ एंड वेपर इज रिलीज विद इंटेंस प्रेशर अलॉन्ग विद एश एंड रॉक. इट मे रीच अप टू 7 किलोमीटर हाइट. इन फ्रियाटिक इरप्शन no new lava erupts. Example, in 2018 approximately 5500 meter peak columns of steam and ashes formed after the phreatic eruption of Mount Merapi in Java Island. In 2019 White Island in New Zealand. Dekho, as it is hai pura ye pura as it is waise hi hai. Since eruption comes without warning, and people are unprepared, the sudden eruption consequences are multidimensional. So when water vapor, this kind of dust settled down on Earth, it creates an extensive landform with depressions called mass crater. When water accumulated in the depression zone, it becomes a crater lake. When it erupts in the ocean near coastal areas, it generates tsunami waves and destroys coastal towns and villages. अब ये वाला point ये correct है, लेकिन इसको शायद भास्कर ने थोड़ा सा line change करने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से वो connectivity lose कर गए. उन्होंने लिखा कि it erupts in coastal landforms. तो ये है कि अगर ये कोस्टल एरिया में ऐसे इरप्शन होता है तो ये सुनामी वेव्स लेके आ सकता है, बट ये सुनामी वेव्स उतने लेवल की नहीं होंगी जितनी एक नॉर्मल सुनामी वेव होती है. ओके, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इंक्रीजेस द टॉक्सिसिटी इन द एटमॉस्फेयर. गुड. इवैक्यूएशन ऑफ रेजिडेंट्स नीडेड इफ नॉट इवैक्यूएटेड टाइमली दैट मे लीड टू ह्यूमन लॉस. वेरी गुड. तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इस पॉइंट को थोड़ा सा और बढ़ा के लिख सकते हो कि क्या किया जा सकता है ऐसे रीजन में क्या किया जा सकता है. तो सबसे पहली चीज़ तो है कि अवेयरनेस. सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसे रीजन में रेगुलर बेसिस पे मॉक ड्रिल्स करानी चाहिए कि अगर इफ देयर इज अ सडन कैटास्ट्रोफ, क्योंकि सडन फोर्स है ये, ठीक है, ये सडन फोर्स है. तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि मतलब लोहा के लोगों को अवेयर करके रखना है और जो सेफ हाउसेज, जो हाइड आउट्स होते हैं बचने के लिए, वो पहले से प्रिपेयर रखना चाहिए और मॉक ड्रिल्स रेगुलर बेसिस पर करनी चाहिए. मॉक ड्रिल क्या होती है? रिहर्सल टाइप की चीजें करती रहनी चाहिए कि अगर इरप्शन हुआ तो कैसे हमें बचना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, सारी चीजें. देन शट डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज एयरपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन दोज रीजंस. ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है. ओके, सो यहाँ पे जो आपने ये चीज यूज करा है, ओके, फ्रियाटिक इरप्शन में आपको और भी चीजें मिल जाएंगी, और भी सोर्सेज मिल जाएंगे, क्योंकि फ्रियाटिक इरप्शन इज वन ऑफ द
लेटेस्ट टॉपिक, ये भी प्रॉब्लम है ठीक है, ये वाला तो लेटेस्ट टॉपिक है, तो इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मिलेगी। क्या चीज सर? वो डोमिशियन का मतलब जो इटली का जो भी एक आया था सर। हाँ वो रिसेंट एग्जांपल था, डाल दो उनको। हाँ इटली का जो एसिड रेन हुआ था यहाँ पर। एग्जैक्टली हाँ उनको डाल दीजिए आप इसमें। और फिलीपींस का भी था सर, तीन महीने पहले आया था। फिलीपींस वाला एग्जैक्टली हाँ। ओके जैसे फॉर एग्जांपल मान लो माउंट ओंटेक, जापान में एक माउंट माउंटेन है माउंट ओंटेक बोलते हैं उसको, वहाँ पे भी फ्रियाटिक इरप्शन हुआ है। ओके न्यूजीलैंड में भी एक माउंटेन, एक वॉल्केनिक माउंटेन है, वहाँ पे भी इस तरह का इरप्शन हुआ है। तो इस तरह की चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो राइट। तो ये मोर और लेस दे आर मतलब दोनों के, भास्कर के भी और अभिषेक के भी मान के चलता हूँ मैं कि अराउंड 85-90% दे आर वेरी क्लोज टू द आंसर्स। ओके थोड़ा सा इसमें और जरा इम्प्रूव कर लीजिए डायग्राम को लेके। जैसा डायग्राम मैं लिख रहा हूँ, डायग्राम अभिषेक आप भी एंड में ड्रॉ कर रहे हो। डायग्राम ना, डायग्राम आपकी आपके लिए कैसे मान लो शोपीस है, ये शोपीस जो होते हैं लोग कहाँ रखते हैं, ड्राइंग रूम में रखते हैं ज़्यादा या फिर किचन में रखेंगे या स्टोर रूम में रखेंगे? यस अगर आप घर में कोई महंगा, कल को आप डीसी बनोगे, आप आईएएस में सेलेक्ट होते हो, आईपीएस में सेलेक्ट होते हो, आपका ड्राइंग रूम होगा एक अच्छा सा ठीक है। एक कह रहे ना कि जैसे 25 गज के घर से, 25 गज के कमरे से निकल के तो सीधा 25,000 स्क्वायर फीट के एरिया में पहुंचेगा। तो भाई वहाँ पर आप जब ड्राइंग रूम भी काफी बड़ा होगा तो वहाँ पर महंगी चीजें रखोगे ना शोपीस के लिए, ताकि लोग आए देखे उसको। तो सेम वे में यहाँ पे ये डायग्राम आपका शोपीस है, ये नीचे नहीं होना चाहिए, सब शुरुआत में होना चाहिए ताकि सीधा कहते हैं ना ओपनिंग के टाइम पे लिख जाए कि भाई ठीक है कि बंदा बैट्समैन कैसा है। मान लो कोई मैच चल रहा है और क्रिकेटर है और वो पहली बॉल में ही यू नो सिक्सर मार दे और या जो है फोर्थ जो रन बनाते हैं वो करे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा आपको एकदम जो है मतलब इंप्रेशन जाएगा कि भाई ये बैट्समैन बड़ा धांसू बैट्समैन है, जाएगा कि नहीं जाएगा इंप्रेशन? तो ये चीज यहाँ पे करनी है कि ओपनिंग के टाइम पे ही सभी लोग जो भी आंसर लिख रहे हैं, ओपनिंग के टाइम पे ही आपको अपने आंसर की शुरुआत में ही डायग्राम ड्रॉ करना है, यानी कि प्राइम एरिया पे एकदम राइट। तो गाइस ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ टू एवरीवन। और बाकी जो जो लोग अभी हैं ऑनलाइन जैसे कि तपस, ऋचा, धीरज, राहुल, ओके तो कोई भी डाउट किसी को है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था अपना, यस कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको ऑलरेडी अपना बता दिया था, इट इज 9666777-0875। सो कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन को लेके तो यू कैन कनेक्ट विद मी। और ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच 28 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। ये सेशन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है मतलब जो आंसर राइटिंग सेशन, कि जिन्होंने पहले क्लासेस करी हुई है, अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी जस्ट प्लान कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, तो जस्ट ज्वाइन दिस बैच 28 जून से पहले पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज हम अपने बैच में मतलब मेरे बैच में बेसिकली आंसर राइटिंग ही मेन मेरा कोर एलिमेंट है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिख लीजिए मतलब पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप उस पर अच्छा लिख नहीं पाओगे सारे एफर्ट्स आपके वेस्ट हो जाएंगे। सो इन अ सिंगल बैच वी हार्डली टेक अराउंड 30-35 स्टूडेंट्स, सो लिमिटेड इतने ही स्लॉट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हर स्टूडेंट की आंसर कॉपी चेक करनी होती है। तो जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कर लीजिए 28 जून से पहले पहले, सो डेट आपकी सीट रिजर्व रहेगी आपका। सो गाइस थैंक यू वेरी मच अभिषेक, भास्कर, तपस, ऋचा, थैंक यू वेरी मच। कल के हाँ गुड नाइट। एंड कल का जो क्वेश्चन है मैं अभी आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, सो डेट यू हैव एम्पल टाइम टू प्रिपेयर फॉर दैट क्वेश्चन। ओके आपको सोने से पहले ही मैं आपको शेयर कर दूंगा। यस तापस स्पीकिंग सर। यस तापस हेलो। यस तापस ऑप्शन लेने के लिए हम मुझे बोलना पड़ेगा सर को, मलिका सर को, और ऑटोमेटिक लेना? क्या चीज मैं समझा नहीं, हेलो प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन सर। एक्चुअली मैं जो ज्योग्राफी ऑप्शन ले रहा था। हां हेलो यस तपस यस सर, मुझे रजिस्टर वाले से करना पड़ेगा? हाँ एक बार आप इसके लिए जो है आप इंस्टीट्यूट को एक बार मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर लीजिए। ओके
जस्ट इन्फॉर्म मैनेजमेंट दैट यू वॉन्ट टू टेक ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो अकॉर्डिंगली दे विल गाइड यू. ओके चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो अगेन. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.